अरे इतना बड़ा जुल्म हुआ मेरी बेटी पर और तूने मुझे खबर तक नहीं की। क्या मैं तेरा बाप नहीं हूं? शंकर, मां का दूध पिए तो बाहर निकल। एहसान किए, एक एहसान और कर दो। मेरी बेटी का हाथ थाम कर इसे हमेशा के लिए पालो। मेजर साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। मेजर साहब, वक्त नहीं है मेरे पास। शंकर नहीं मेजर साहब, मेजर को हुक्म। शंकर 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 ने बहू की मांग में सिंदूर भर दिया, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गोली मार दूंगा उस नमक हराम शंकर को। अरे रे रे रे, मेरी प्यारी बच्ची। बापू, सुबह से शाम तक काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। नहीं नहीं, आज तेरी छुट्टी। हाँ? ये ले 5 पैसे ले और जाके सिनेमा देख कर आ। 5 पैसे? 5 पैसे में सिनेमा नहीं होता। अच्छा ले 10 पैसा, बहुत हो गया। सुबह से शाम तक सिनेमा देखते ना, जा। बापू, 10 पैसे में सिनेमा देखा जाता है क्या? 10 पैसे में भी नहीं होता। अभी मैं क्या करूँ, ये तो नोट, ये तो महीने भर का खर्चा है। ले सिनेमा देखना, बाकी का लेकर आना। संभाल क्या, पर अपने गाँव में सिनेमा है ही नहीं। नहीं है तो पहले बोलेगा तो ना यार, मेरी मोहब्बत का पिंजरा हवा में लटक जाएगा यार। अरे बापू, क्या सोच रहे हो? एक काम करना, मेला देख कर ना, सुबह से शाम तक जा। मेला? पर वो तो कल ही खत्म हो गया। तो पैसा भी खत्म हो गया। तू फिर एक काम करना, तू अपनी सारी सहेली को लेकर गांव में खेतों में जा, खूब गन्ने खा, सुबह जा, शाम को आ, जल्दी नहीं आना। जा। अच्छा, अब पैसा? गन्ना खाएगी चुरा के, उसके लिए पैसा कहाँ से? चले जा। जाऊ? हां जा। अच्छा, जल्दी नहीं आना। जा, इधर कहाँ जा रही, उधर जाना। इधर से? हां जा, उधर जा। इधर नहीं जा, जा 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 जा, जल्दी जा। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। मैं छुपी हूँ यहाँ, तू तड़पता वहाँ। तेरा मेरा मिलन है जन्मों का मिलन, तो दूर दूर दूर, पास 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 आ जा। बापू, ये क्या कर रहा है? तेरी बेटी आ गई एक कबाब में हड्डी, ये तो मेरी इज्जत लूट रहा था। सारी मोहब्बत का मजा किरकिरा कर दिया। बापू, अरे दरवाजा तो खोलो। हाँ खोल रहा हूँ, छुप जा। क्या कर रहे हो? बापू मैं आ गई। क्यों आ गई? इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अरे बापू, वहाँ खेतों में तो कोई है। अच्छा, तो शंजाल घाट में घूम के आ सकती थी। क्या हुआ? खटमल काट रहे। अरे कुछ खाने तो दो। अरे किसी सहेली के घर में खाना खा के, घर में खाना नहीं। जा बस थोड़ा। अच्छा निकल जाए।
सर, हमारे यहां तो यमदूत भी हमारी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। तुम्हारी आने की जरूरत कैसे हुई? शंकर पर गोली चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार करने आया हूं मैं। हमें गिरफ्तार करने से पहले हमारे टुकड़ों पर पलने वाले उस शंकर को गिरफ्तार करो जिसे तुम अभी अभी अपना खून देकर आए हो। मुजरिम वो है, उसने हमारे खानदान की बहू को अगवा किया है। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उस पर गोली चला दें। अगर उसने गलती की है तो उसके लिए पुलिस है, कानून है। कानून? कानून तो यहां ठाकुर रणवीर सिंह का चलता है अफसर। नमक हरामी तो दूर, ऐसा सोचने वाले को भी गोली से उड़ा देते हैं हम। और शंकर को तेरा खून तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे नहीं बचा सकती। और कुछ कहना बाकी है ठाकुर? अब चुपचाप हमारे साथ थाने चले चलो, इसी में तुम्हारी भलाई। भला बुरा तो तू अपने बारे में सोच अफसर, सोच के यहां से जाएगा कैसे? जरा नजर उठाकर देख, चारों तरफ तेरे मौत मंडरा रही है। ये सब हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं ठाकुर। मुझ पर चलाई हुई तुम्हारी एक गोली तुम्हारे पाप की सल्तनत को जलाकर राख कर देगी। इस हवेली को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है ठाकुर, जरा से भी बेवकूफी तुम्हारे हक में नहीं होगी। चलो एक बार फिर से सोच ले अफसर, हमें ले जाने के लिए तुम्हें खून के दरिया पार करने पड़ेंगे। इस वर्दी पर लगे हुए सितारे देख रहे हो ना ठाकुर, ये ऐसे ही न जाने कितने ही खून के दरिया पार करने के बाद ही लगे। चलो के शिकार की तमन्ना अमूमन हर शिकारी करता है, मगर हर शिकारी की ये तमन्ना पूरी नहीं होती। ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप की सल्तनत नहीं। बदतमीजी करोगे तो बाप के साथ तुम्हें भी हवालात में बंद कर दूंगा। ये सपना तुम पहले भी देख चुके हो एसपी। अदालत ने मुझे बाइज्जत परी किया था। वक्त का इंतजार करो पर खुरदार, अदालत तक पहुंचने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा एसपी। फिलहाल तो तुम मेरे पूजनीय पिता दाता श्री को छोड़ दो, मैजिस्ट्रेट के घर जाकर जमानत करवा कर लाया हूं। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। शिकस्त हमने कभी देखी नहीं, जीते जी हम कभी मरे नहीं। आज तक बड़े से बड़े पुलिस अफसर ने हमारे पांव की धूल अपने माथे पर लगाकर अपनी नौकरी शुरू की, और आज एक मामूली से पुलिस अफसर ने सरे आम जलील करके हमें जीते जी मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं दादा? इलाके का हर आदमी तो जानता ही था कि हमारा प्रताप क्या है। आज कानून भी जान गया कि हमारे पास कितनी पावर है। दादा, आपको हथकड़ी लगी? नहीं। आप हवालात गए? नहीं, बल्कि थाने का हर अफसर बार बार आपको सलाम कर रहा था। मैं खुद बाइज्जत आपको घर लेकर आया। मुझे समझाने की कोशिश मत करो बेटे। दलालत का जो कांटा मेरे दिल में गड़ गया है, उसकी चुभन मुझे जिंदगी भर तड़पाती रहेगी, जिंदगी भर तड़पाती रहेगी। साहब अच्छा हुआ आप वक्त पे आ गए, वरना ये ठाकुर के आदमी भाभी जी को उठा ले आते। पुलिस आ गई थी इसलिए तुम लोगों को भागना पड़ा। Thank you.
ठाकुर खानदान से वफादारी की तमाम बंदिशें तोड़कर मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसे पार करने की कोशिश मत करना छोटे ठाकुर। रेखा तो मैं खींचूंगा तेरी मौत की, अभी और इसी वक्त। इसके टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में प्रसाद की तरह बांट दो। इसको छोड़ दूँ? ये ठाकुर खानदान का बेटा है। ठाकुर खानदान कैसे की तहजीब? तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दे इसे।